मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि बैठक बुलाऊंगा। जगदम्बिका पाल जी, गरीबों के मसीहा जगदम्बिका पाल जी। तो फिर एक एक हाकर्स को, एक एक स्ट्रीट वेंडर्स को, एक एक रेड़ी पटरी वाले को आइडेंटिफाई करने का काम क्यों ना करे प्रशासन, क्यों ना म्युनिसिपल कमिश्नर काम करे, क्यों ना नगर पालिकाओं में काम करे, यो करे, एसडीएम करे, ओसी करे। ये जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपका अधिकार बनता है। भारत सरकार के नरेंद्र मोदी ने कानून बना दिया, हमारी सरकार ने कानून बना दिया, तो ये अधिकार आपका बनता है। आपकी दिक्कतें दुश्वारियां तो आपके 10 बजे से सारे पदाधिकारियों ने कहा होगा। हमने भी बहुत अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन होने के नाते सबसे ज़्यादा मीटिंग हमने इस पर की है और अपनी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट के ऑनरेबल स्पीकर को दिया है। वो रिकमेंडेशंस फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे महुआ डिपार्टमेंट को, मंत्रालय को जाएगा और उस रिकमेंडेशंस में हम उम्मीद करते हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट पे जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है वो लागू होगी और आपके हक हकूक की हिफाजत होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कि पिछले दिनों या आज भी जब देश की राजधानी दिल्ली में बरसों से किसी फुटपाथ पे आप रेडी पटरी लगा रहे हैं, किसी दिन कोई सिपाही, किसी दिन कोई दरोगा, किसी दिन किसी दूसरे विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी आया और आपकी पूरी मेहनत कमाई की पूंजी का वो रेडी पटरी उठा ले जाता है, तोड़ देता है, फिर आप नए सिरे से किसी साहूकार से, किसी प्राइवेट से कहीं लोन लेते हैं और कितने महंगे इंटरेस्ट पे लेते हैं। जो तकलीफ आपकी है आपको शायद एहसास होगा कि उस तकलीफ, उस दर्द का एहसास केवल आपको, आपके परिवार को है, लेकिन आपको जान करके संतोष होगा कि वो दर्द, आपकी तकलीफ की जानकारी जगदम्बिका पाल को भी है। मेरे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, तो सभी हमारे उस कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सभी की, और हम इस बात से हम निसंदेह कि 2014 में हमारी सरकार ने ये जो नेशनल विंडर्स एक्ट है हॉकर्स के लिए, ये 2014 में पार्लियामेंट में इनैक्ट किया और आज केवल उस एक्ट को बनाने की बात नहीं की, लगातार एज ए चेयरमैन अगर जगदम्बिका पाल ने बैठक की कि ये नहीं चलेगा, कि ये कानून पूरे देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू हो गया, बहुत से राज्य ने इस एक्ट को लागू नहीं किया, आप विश्वास करिए इस कमेटी ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज को बुला बुला के आपके इस कानून को लागू करवाने का किया। और चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे देश के किसी अन्य राज्य की पुलिस हो, हमने कई बार उनके अधिकारियों को बुलाया, हमने म्युनिसिपल कमिश्नर्स को बुलाया, एमसीडीज को बुलाए, तमाम राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु, देश के सभी राज्यों के। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अर्बन डेवलपमेंट, आप लोग सोचते होंगे कि ये पार्लियामेंट के एमपी या पार्लियामेंट की कमेटी क्या काम करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके शक्तिमान घोष साहब ने उसके पन्ने भी गिने हैं, कितनी बैठकें हुई उसको भी जानते हैं और कितनी मेहनत से जो रिपोर्ट की एक एक लाइन है वो देश के एक एक हाकर के हक में है, आपके हकूक में है, आपकी अधिकारों की रक्षा करने का। तो निसंदेह कितनी मेहनत से, शिद्दत से हमने किया, वो इसलिए किया कि जब कानून में है तो फिर एक एक हाकर्स को, एक एक स्ट्रीट वेंडर्स को, एक एक रेड़ी पटरी वाले को आइडेंटिफाई करने का काम क्यों ना करे प्रशासन, क्यों ना म्युनिसिपल कमिश्नर काम करे,
क्यों ना नगर पालिकाओं में काम करे, यो करे, एसडीएम करे, ओसी करे, ये जिम्मेदारी बनती है। ये आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपका अधिकार बनता है। भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी ने कानून बना दिया, हमारी सरकार ने कानून बना दिया, तो ये अधिकार आपका बनता है। मैं इसलिए आपके बीच में चला आया हूं कि आपको इस बात से अवगत करा सके कि आज उस कानून बनने के बाद हम सब की मंशा, हमारी सरकार की मंशा है कि एक एक वेंडर जो वेंडिंग का काम करता है, उस वेंडिंग के काम करने वाले एक एक व्यक्ति को जैसे और किसी कर्मचारी को, किसी व्यवसायी को, किसी को लाइसेंस मिलता हो, ऐसे उसको भी आइडेंटिटी कार्ड देने का काम किया जाए, जिससे कि वो अपने सम्मान से, अपनी जिंदगी को इज्जत से कह सके कि हम रजिस्टर्ड हॉकर हैं, या हम रेड़ी पटरी या खोंचा लगाने वाले हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और हम भी मेहनत मजदूरी करके देश को बनाने का काम कर रहे हैं, हम भी जो कमाते हैं उसमें से टैक्स देने का काम करते हैं। और उस सर्वे के बाद आइडेंटिटी कार्ड इशू हो, देश में सबसे खराब स्थिति दिल्ली की ही थी, जब मीटिंग हमने किया लगातार हम उस पर जोर देते रहे। आज हमसे भी संजय जी मिले थे यहाँ से जाके, उन्होंने फिर से बैठक बुला लीजिए, मैं फिर से आपसे वादा करता हूँ कि बैठक बुलाऊंगा। गरीबों के मसीहा केवल आपको रजिस्टर करना ही नहीं जिम्मेदारी प्रशासन की या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या नगर पालिकाओं की, नगर पंचायतों की, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपको रजिस्टर्ड करना जिम्मेदारी है, आपको आइडेंटिफाई करना जिम्मेदारी, आपको चिन्हित करना जरूरी है, और चिन्हित करके आइडेंटिटी कार्ड इशू करना जरूरी है, आइडेंटिटी कार्ड इशू करके मैंडेट है, फिर टाउन बेंडिंग जोन बनाना जरूरी है कि टाउन बेंडिंग जोन हो, जिससे ये नहीं कि आज आप यहाँ लगा रहे हैं बरसों से और एक रात कोई नया अधिकारी कर्मचारी आ गया, वो आपकी फड़ को उठा के लेके चला जाए। ये जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अधिकार दिया है और इस कानून ने आपको भी अधिकार देने का काम किया है, इसलिए नहीं है कि आपके से। और वो टाउन बेंडिंग जोन बना करके एक टाउन बेंडिंग कमेटी बननी चाहिए, और वो टाउन बेंडिंग कमेटी बनेगी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर की या चेयरमैन की अध्यक्षता में बनेगी। हमने उसमें लोकल एमपी का भी प्रोविजन डाला है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, क्योंकि हमेशा जो जनता के द्वारा चुना जाता व्यक्ति, उसे हमेशा जनता का दर्द का एहसास रहता है कि हमारे जो भी मेहनत के मजदूर हैं। और आज हम जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारी सरकार एक सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो समाज में, देश में एक सबसे बड़े आज पीएम स्वनिधि 42 लाख लोगों को दिया। लॉकडाउन में रेड़ी पटरी वाले जो अपने घरों में थे, 10,000 रुपया बिना कोलेट्रल के देने का काम हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे पहली सरकार ने किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 42 लाख लोगों को 10,000 रुपया पीएम स्वनिधि में देने का काम मैंने तय किया कि वहाँ पे तो उनके मेयर का शपथ है, वो शपथ ले लेंगे, लेकिन बड़े सब अधिकारी रह लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज हमारे मेहनत कश कर्मयोगी जो मेहनत करके न केवल समाज के में योगदान देते हैं, देश के लिए टैक्स पेयर के रूप में भी काम करते हैं, बैंक की EMI भी देते हैं, अगर लोन लेते हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदारी से अगर देश को बनाने में, तो आज भी मैं मानता हूँ कि देश का गरीब, देश का रेड़ी पटरी का मजदूर, ये इंसान देश की एकता और अखंडता के लिए और देश की विकास के लिए काम करता है। तो ये विकास के लिए जब काम कर रहा है, तो मैंने तय किया कि मैं नेपाल के बजाय जंतर मंतर में नेशनल हॉकर फेडरेशन के बीच में, और इसीलिए मैं आपके बीच में चल के आया। मेरी मीटिंग 10-11 बजे से चल रही थी, मीटिंग मेरी प्राय 2-2:30 बजे तक चलती है, लेकिन मैंने कहा था मैं आऊँगा,
आज भी हमारे सिद्धार्थ नगर के लोग सुबह गए थे, हमारे साथी छोटे भाई, तो इन्होंने कहा आना है हमारे एरिया के, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो मैं चाहता तो शाम को आप आते, शाम को मैं अपने घर पे मिल लेता, लेकिन वहाँ डेलीगेशन आता, जो मैंने वायदा किया था वो मैंने पूरा किया कि मैं आपके बीच में आकर के आपका ज्ञापन लेने का काम करूं, और मैं आपके पदाधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। अभी जो बुनियादी समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी संभव हो सकेगा, हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी की हम रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं, हमने एक अच्छा आपके हक हकूक के उस कानून के दायरे में हिफाजत रखने के लिए हमने रिकमेंडेशंस किया है, वो लागू भी होंगी आगे भी भविष्य में आपके हक हकूक के लिए, जो भी हम कर सकते हैं वो हम करने का वायदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।